नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में। दोस्तों, जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि कुछ ऐसा देखने को मिले जिसे देखने से दिमाग और मन को शांति मिले, पूरा दिन अच्छा बीते, सभी काम बनते चले जाएं। इसके लिए कई तरह के धर्म कर्म भी हम करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि सुबह किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा दिखे जो हमारे लिए शुभ हो, ताकि हमारा पूरा दिन अच्छा बीते। हमारी कोशिश रहती है कि आँख खुलते ही कोई प्रिय वस्तु या कोई प्रिय व्यक्ति हमें दिखे, ताकि हमारा पूरा दिन अच्छा बीते, सब कुछ अच्छा अच्छा हो और सभी काम बनते चले जाएं। दोस्तों, इस बारे में शास्त्रों में भी बताया गया है कि सुबह कौन सा ऐसा काम करें जिससे आपका पूरा दिन अच्छा जाए, आपका पूरा दिन शुभ जाए। सुबह का सिर्फ 5 मिनट का समय और 5 मिनट में किया गया 3 काम आपका पूरा दिन बदल देंगे। पूरा दिन शुभ होगा, सब काम अच्छे से बनता चला जाएगा। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, शास्त्र बताते हैं कि कर दर्शन का बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कर दर्शन का मतलब अपने हाथों का दर्शन करना। प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करते हुए ईश्वर की वंदना करने से आपका पूरा दिन मंगलकारी हो जाता है। बुद्धि, धन और पालन पोषण में आप सफलता पाते हैं। सुबह उठते ही अपने बिस्तर पर जहां आप सोए हैं वहीं बैठ जाना है, पालथी मारकर और अपने दोनों हाथों को, अपने दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर पुस्तक की भांति, दोनों हथेलियों को पुस्तक की भांति, मीन्स कि आपको बुक्स की तरह जोड़ लेना है अपने दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को, और अपने मुख के पास, अपनी आंखों के सामने लाकर अपनी हथेलियों को देखना है और मन ही मन इस मंत्र का 3 बार जाप करना है। मंत्र है, कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थित गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इसका मतलब है, मेरे हाथ के अग्रभाग में धन की देवी लक्ष्मी जी का वास है, हाथ के मध्य में विद्या की देवी सरस्वती विराजित है, हाथ के मूल भाग में जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु विराजित है। इन सभी के दर्शन मैं अपने हाथों में करके अपने दिन की शुरुआत करने जा रहा हूँ। जीवन में कर्म को ही सर्वाधिक महत्व दिया गया है, बिना कर्म के मनुष्य के जीवन में सफलता नहीं है। रामचरित मानस में तुलसीदास ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करिय सो तस फल चाखा। इसका मतलब है कि कलयुग में कर्म को ही प्रधानता दी गई है। जैसा हम कर्म करते हैं फल हमें बिल्कुल वैसा ही मिलता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को ही प्रधानता दी है। अर्जुन से यही कहा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। कर्म करना ही हमारे हाथ में है, फल देना भगवान का काम है। मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा कर्मशील अंग हाथ ही है, इसलिए हाथों में ही सभी देवी देवताओं का वास बताया गया है। सुबह उठकर अपने हाथों में सभी देवी देवताओं का दर्शन करके अपना दिन शुरू करने से दिन अच्छा बीतता है। आप अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम होते हैं, इसलिए सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा काम करना है आपको, वो है पंचदेवों का स्मरण करना। जी हाँ, पंचदेव में सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण होता है। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, फिर भगवान शिव का, फिर जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु का, उसके बाद सृष्टि को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य और जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा का मन ही मन स्मरण करें। मन ही मन इन सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि हे देव, मेरे हाथों से हमेशा शुभ कार्य ही करवाएं, भूल से भी मेरे हाथों से किसी का अनिष्ट न हो। हे देव, मुझ पर कृपा करें। पंचदेवों के स्मरण के बाद जो तीसरा काम हमें करना चाहिए वो है धरती माता को प्रणाम करना। जी हाँ, सुबह उठकर अपने पैर जमीन पर रखने से पहले धरती माता को छूकर उन्हें प्रणाम करें और मन ही मन ये प्रार्थना करें कि हे धरती माँ, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मेरे कदम डगमगाए नहीं, किसी गलत रास्ते पर ना जाए, मैं हमेशा सही दिशा में कदम बढ़ाऊँ। इसके लिए माँ धरती को प्रणाम करें। उसके बाद अपना दाहिना पैर सबसे पहले जमीन पर रखते हुए हमें उठना चाहिए। दोस्तों, सुबह का ये 5 मिनट में किए गए काम, 5 मिनट के अंदर ही ये तीनों काम हो जाते हैं। बहुत ही थोड़ा समय लगता है भगवान को धन्यवाद करने के लिए, और उसके बाद आपका ये पूरा दिन शुभ कर देते हैं। अगर आप ये काम प्रतिदिन करते हैं तो यकीन मानिए, कुछ ही दिनों में आपके भाग्य में सकारात्मक बदलाव आएगा। कुछ ही दिनों में अपने आसपास आपको पॉजिटिविटी दिखेगी, सभी कार्य बनने लग जाते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बरसने लगती है, क्योंकि जहाँ अच्छे कर्म होते हैं वहीं माँ लक्ष्मी का वास होता है। अपने मम्मी, पापा, भाई बहनों,
दोस्तों, रिश्तेदारों, सबके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले, क्योंकि जब आसपास सभी लोग खुश हों, सभी लोग सुखी हों, तभी हम भी खुश रह सकते हैं। अकेले खुश रहना संभव नहीं है। सब्सक्राइब करके रख लें मेरे चैनल को, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके लिए बेल आइकन को क्लिक कर लें। मिलती हूँ मैं फिर किसी नई वीडियो में, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय। नमस्कार।